आज हिंदी दिवस 14 सितंबर के अवसर पर हम हिंदी की सर्वव्यापकता के विषय में सामान्य चर्चा करने जा रहे हैं। हिंदी केवल भारत की ही भाषा नहीं है, वरन यदि देखा जाए तो यह पूर्ण रूपेण विश्व भाषा बनने में योग्य समर्थ तथा सक्षम है, और इसके अपने कुछ कारण भी हैं। उन कारणों में जब प्रवेश करते हैं तो हमें जिस बात का ज्ञान होता है वह है, आज विश्व में विभिन्न देशों में 2 करोड़ से अधिक भारतीय निवास कर रहे हैं, और जिनकी स्वाभाविक आकांक्षा भारत से जुड़े रहने की रहती है। ये लोग भारत की भाषा, भारत के धर्म, भारत की संस्कृति से लगाव रखते हैं और रीति रिवाज से अपने को भिन्न नहीं मानते। उनके लिए भारतीय रीति रिवाज, भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और धर्म एक तरह से उनका जीवन ही होता है, और इसीलिए वे निरंतर यह प्रयास करते हैं कि उनके या उनके पूर्वजों के साथ भारत की जो विचार गंगा, दर्शन, चिंतन, साहित्य उन देशों में गया, उसे वह भरपूर जीवंत बनाए रखे। यदि हम भारतीय भाषाओं में स्थान की दृष्टि से हिंदी को देखें तो वह महत्वपूर्ण है ही, परंतु यदि हम विश्व भाषाओं में स्थान की दृष्टि से देखें तो संसार में लगभग 2796 भाषाएं बोली जाती हैं। इनमें बोलने वालों की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाषाएं हैं चीनी, हिंदी, अंग्रेजी, स्पेनी, जर्मनी, जापानी, फ्रांसीसी, हिंदो एशियाई, पुर्तगाली, बंगला, इतावली, अरबी। इन सब में हिंदी का स्थान दूसरा है। कुछ पत्र पत्रिकाओं से तो पिछले वर्ष ये भी पता चला है कि हिंदी का स्थान पहला हो चुका है। यदि हम भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से इसका व्याकरण देखें तो इसका व्याकरण विज्ञान सम्मत है। यह ध्वनि, वाक्य, अर्थ, लिपि इत्यादि दृष्टि से पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है। यह सहज एवं सरल है, आसानी से सीखने योग्य है। इसका विस्तृत एवं समृद्ध वांग्मय भी है, यह हम सभी भली प्रकार जानते हैं। यदि हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो यह विश्व भाषा है। किस तरह से इस पर प्रकाश डालते हैं और उसका कारण है, हिंदी बोलने और समझने वाले समूचे संसार में मिलते हैं। नेपाल, भूटान, सिक्किम, मॉरीशस, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया इत्यादि में हिंदी अच्छे से बोली और समझी जाती है। वहीं त्रिनिनाद, सूरीनाम, फिजी इत्यादि देशों में हिंदी को वैकल्पिक राजभाषा के रूप में विकसित किया जा रहा है। संपूर्ण विश्व में यदि देखें तो हिंदी फिल्में हिंदी के प्रचार प्रसार का सशक्त माध्यम है, जो सभी देशों में लोकप्रिय हो रही हैं। पश्चिमी एशिया और अफ्रीका में इनकी विपुल मांग है। पाश्चात्य जगत में भारतीय संस्कृति,
तथा योग की लोकप्रियता के कारण हिंदी स्वयं ही विकसित और संवर्धित हो रही है। हमें यह देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि कनाडा, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, मॉरिशस, त्रिनिदाद, मलेशिया इत्यादि देशों में जहाँ जहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं, वहाँ के बाजार हिंदी फिल्मों की कैसेट से भरे पड़े हैं, जिन्हें सभी देखते हैं। सैटेलाइट चैनलों ने इन्हें और अधिक सुलभ बना दिया है। संपूर्ण विश्व में जितनी फिल्में आज हिंदी की देखी जा रही हैं, उतनी शायद ही किसी अन्य भाषा की देखी जाती हों, और ये बात हिंदी की लोकप्रियता को स्वयं ही सिद्ध कर देती है। सूचना क्रांति के इस युग में ग्लोबल विलेज की अवधारणा ने हिंदी भाषा और साहित्य को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया है, इसमें कोई विकल्प नहीं है। टेलीविजन, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से यह हिंदी भाषा विश्व के कोने कोने में आज पैर पसारे है। विश्व के अनेक देशों में प्रकाशित हिंदी पत्र पत्रिकाएं, विद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर पर अध्ययन अध्यापन और शोध इसका ज्वलंत प्रमाण प्रस्तुत करता है। क्योंकि विश्व में अब उसी भाषा को प्रधानता मिलेगी जिसका व्याकरण विज्ञान सम्मत और लिपि कंप्यूटर की होगी। इस दृष्टि से अंग्रेजी, फ्रेंच इत्यादि की अपेक्षा विश्व भाषा बनने की संभावनाएं हमें हिंदी में अधिक प्रतीत होती हैं।